इस बीच आपको भी बता दें कि क्या कुछ चुनौतियां राजनाथ सिंह के सामने आने वाली हैं। चीन जिस तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो लगातार इन्वेड करता रहता है। उसके अलावा थिएटर कमांड बनाना है और साथ ही साथ यहां पर टेरर अटैक्स जो हैं, जो एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, कोशिश है घाटी में एक बार फिर से आतंक को स्थापित करने की, तो उस पर लगाम लगाना है। सीनियोरिटी में दूसरे नंबर पे हैं, मोदी 2.0 सरकार में रक्षा मंत्री बने हैं, पहली बार जब मोदी सरकार बनी गृहमंत्री रहे, यूपी के सीएम रहे हैं, राजपूत चेहरा है, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, बीजेपी के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं, लखनऊ से सांसद हैं, सभी दलों से अच्छे रिश्ते हैं, नीतीश नायडू से पुरानी दोस्ती है, और इसीलिए जब एनडीए सरकार की बात हो जाती है तो और भी ज्यादा राजनाथ का रोल जो है वो अहम हो जाता है, क्योंकि बीजेपी नहीं एनडीए सरकार है। सेना को आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया है, चीन और पाकिस्तान बॉर्डर को मजबूत करना उनकी प्रायोरिटी रहेगी और थिएटर कमांड जो है वो स्थापित करना प्रायोरिटी रहेगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ साथ उनको मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के साथ लेस करना भी ये बड़ी चुनौती होगी, और वक्त पर उपलब्ध कराना, क्योंकि मेक इन इंडिया तो ठीक है लेकिन आपको अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत अगर आज है तो उस जरूरत को कैसे पूरा करना है। लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्री का जो है काज संभाला है, आपको बता दें, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी दिक्कत है आतंक को कंट्रोल करना, ऑल आउट करना। अभी 9 जून, 11 जून और 12 जून यानी कि 4 दिन में 4 हमले हुए हैं। रियासी में टूरिस्ट बस पर फायरिंग हुई थी, 10 की मौत हुई थी। वैष्णो देवी शिवखोड़ी जो तीर्थयात्री जा रहे थे वहां पर 10 की मौत हुई, 40 जख्मी हुए थे। कठुआ में गांव में घुसे, कोशिश थी कि आप गन पॉइंट पर वहां पर लोगों को होस्टेज बनाएं, 2 आतंकी ढेर हुए और 1 सिविलियन भी जो है उसमें घायल हुआ है। डोडा में जो टेम्पररी QRG टीम थी सेना की, उस पर जो टेम्पररी नाका होता है इसे आमतौर पर समझिए, तो उस पर अटैक किया गया, 5 जवान 1 SPO जो है वो जख्मी हुआ था। और फिर दोबारा 12 जून को डोडा के टांचना इलाके में एनकाउंटर हुआ, SOG का 1 जवान जो है वो घायल हुआ। तो पिछले 4 दिन में आप 4 वारदातें देख रहे हैं और ये वारदातें जो हैं घाटी के इंटीरियर एरियाज में नहीं, जम्मू की तरफ हो रही हैं, जो हिंदू बेल्ट है उसकी तरफ हो रही हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आतंकियों की ये कोई नई स्ट्रैटेजी है, एक नई प्लानिंग है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से हालात पूरी तरह से सुधर रहे थे, घाटी के लोग अमन चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन अमन के दुश्मन एक बार फिर से घाटी में दहशत फैलाने में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव में हुए जो बंपर वोटिंग घाटी के अंदर हुई थी, कहा जाता 370 हटने के बाद शायद बॉयकॉट होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं बल्कि एक अच्छी वोटिंग हुई, घाटी का आवाम जो है वो निकल कर आया। लगातार दहशतगर्द अब जो है हिंदू इलाकों को निशाना बनाने में जुट गए हैं। पहले आपको बता दें कि जो घाटी से अलहदा जो है जो मजदूर जा रहे थे उनको टारगेटेड किलिंग की जा रही थी, और अब हिंदू इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। रियासी में तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया, कठुआ में हीरानगर के सोहल में, इसके बाद 11 और 12 जून को डोडा में हमला किया गया। रिपोर्ट्स का दावा है कि सुंदरबनी, नौशेरा, लंबेरी, अखनूर, डुमाना और जम्मू में भी अटैक हो सकते हैं। लगभग 10 दिन बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और उसकी सुरक्षा जो है अपने आप में एक चुनौती रहती है, तो उसको लेकर भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। आतंकी हमले की वारदात को देखते हुए माता खीर भवानी यात्रा की सुरक्षा को भी और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। मंदिर के आसपास के इलाकों में 3-tier यानी कि 3-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। माता खीर भवानी मंदिर में हर साल होने वाले महोत्सव के लिए देश भर से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित जम्मू पहुंच गए हैं। आपको बता दें मंदिर के आसपास 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। 4 जून को धूमधाम से ये जो पूरा का पूरा उत्सव है, महापर्व है, खीर भवानी मंदिर में जो है वो मनाया जाएगा, 14 जून को माफ कीजिएगा। तो अभी से तीर्थयात्री जो है वो आ रहे हैं, कश्मीरी पंडित जो है दूर दराज से देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, तो यहां पर आतंकियों की नजर हो सकती है, तो इसलिए वहां पर 3-tier यानी कि 3 लेयर की सुरक्षा जो है वो तैनात कर दी गई है। इस बीच रक्षा मंत्री ने पदभार संभाला है तो उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं आपको बता दें। हथियारों का इंपोर्ट कम करना, जैसे कि राजनाथ सिंह ने अभी अपने बयान में भी कहा कि पहली प्राथमिकता है सेना को अत्याधुनिक तो बनाना है लेकिन आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए। गठबंधन सरकार में तेजी से सैन्य सुधार करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आपको अप्रूव देना है वो इतना आसान नहीं होता है, तो ये भी एक चुनौती रहेगी। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जिसका मांग जो है वो लगातार उठ रही है और लगातार कहा जा रहा है कि ये बेहद जरूरी है। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर 4 साल से भारत और चीन के बीच जो गतिरोध है उसको भी एड्रेस करना है, तो सेना का आधुनिकीकरण करना है, LAC पर सैनिकों की तैनाती करनी है, और घाटी में जो आतंक एक बार फिर से पैर पसारने की कोशिश कर रहा है उसको वक्त रहते जो है वो कंट्रोल में लाना है। पिछली सरकार में जिस तरह से ये तमाम चुनौतियां थी, 370 हटी, उसके बाद भी आपने घाटी में आवाम जो है वो उसको सुरक्षित महसूस कराया, उसने बंपर वोटिंग की, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान अस्थिर हो रहा है, चीन जो है लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इस बीच आपको अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना है और वो भी आत्मनिर्भर भारत के तहत, और एनडीए की मिलीजुली सरकार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल चाहिए, तो ये तमाम चुनौतियां जो हैं वो आने वाली हैं। आपको एक और बात बताएं, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में थिएटर कमांड बनाने का वादा किया।
इस पर राजनाथ सिंह को तेजी से काम करना होगा। जब CDS का पद बनाया गया था और जनरल बिपिन सिंह रावत पहले CDS बने थे तो थिएटर कमांड का गठन उनके चार्टर में शामिल था। आर्मी एयरफोर्स और नेवी को मिलाकर 17 कमांड होंगे। आर्मी के पास ग्राउंड थिएटर कमांड की कमान होगी, एयरफोर्स के पास एयर डिफेंस कमांड होगी और इन 17 कमांड्स को मिलकर 3 कमांड बनाने की बात कही गई है। समंदर से लगती सीमाओं के लिए मैरीटाइम कमांड होगा और बीजेपी के घोषणा पत्र में थिएटर कमांड बनाने का वादा है। बेसिकली कोशिश ये है कि अगर कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो क्विक और इंटीग्रेटेड तरीके से आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं तीनों सेनाएं मिलकर, उसको लेकर ये पूरी की पूरी कवायद है।